जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम घर पर ही उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बहुत ही स्वादिष्ट राजमा मसाला बनाना सीखेंगे। ये राजमा मसाला हम प्याज या लहसुन का उपयोग किए बिना बनाएंगे तो ये पूरी तरह से सात्विक बनेंगे। आपके घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को ये बहुत ही पसंद आएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 से 4 लोगों को लंच या डिनर में सर्व कर सके उतने राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम कश्मीरी राजमा लिया है। ये बड़े वाले राजमा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। राजमा को मैंने गुनगुने गर्म पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रखा था ताकि वो अच्छे से फूल गए हैं। अगर आप सुबह बनाना चाहते हो तो आप ओवरनाइट भी उसे भिगो सकते हैं। अब राजमा में से सारा पानी छान कर उसे 2 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब गैस पर एक बड़ा प्रेशर कुकर रखें और उसमें भिगोए हुए राजमा को निकालें। उसमें 1 चम्मच नमक और राजमा डूबे उतना पानी ऐड करें। अभी हम करीबन 1/2 लीटर पानी का उपयोग करेंगे। फिर चम्मच की मदद से नमक को राजमा और पानी के साथ अच्छे से मिलाकर कुकर का ढक्कन लगाए और लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी हो तब तक हमें राजमा को प्रेशर कुक करना है। अगर आपके पास राजमा 1 या 2 साल पुराने हो तो उसे प्रेशर कुक होने में 5 से 7 सीटी तक का भी समय लग सकता है। राजमा हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसमें से हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, फाइबर और भी कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, तो हमें वीक में एक बार राजमा का सेवन अवश्य करना चाहिए। राजमा जब तक प्रेशर कुक हो तब तक उसमें ऐड करने के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए एक बड़ी साइज़ का टमाटर ले और उसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखकर उसके बारीक साइज़ के टुकड़े करें। उसके साथ हम 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे। अभी मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है। आपके घर में जितना तीखा खाना पसंद हो उसके मुताबिक आप हरी मिर्च थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हरी मिर्च को भी हम रफली चॉप करेंगे और उसके साथ मैंने 3 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छील कर पतली स्लाइस में काट कर रखा है। ये रेसिपी में हम प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हो तो ग्रेवी बनाते वक्त उसमें 1 बड़ी साइज़ का प्याज और 5 से 6 लहसुन की कली भी ऐड कर सकते हैं। सभी सामग्री को मिक्सी जार में अच्छे से पीस ले। 4 सीटी हो फिर गैस बंद करें और कुकर थोड़ा ठंडा हो फिर ढक्कन खोलकर राजमा को चेक करें। राजमा अच्छे से प्रेशर कुक हो गए हैं। राजमा को हमें ओवर कुक नहीं करना है, वरना जो राजमा के ऊपर ब्राउन कलर का छिलका है वो निकल जाएगा। गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रखें और उसमें 2 चम्मच देसी घी और 2 टेबलस्पून तेल लेकर उसे धीमी आँच पर गर्म करें। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते वक्त आप घी और तेल दोनों का उपयोग करोगे तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। घी तेल गुनगुना गर्म हो जाए फिर उसमें 1 तेज़पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 छोटी वाली इलायची और 1 बड़ी वाली इलायची ऐड करेंगे। बड़ी वाली इलायची को हम ब्लैक कार्डेमम भी कहते हैं। 2 लंग लवंग और 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। उसके साथ हम 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच जितनी हींग ऐड करेंगे। जीरा इस तरह से अच्छे से चिटकने लगे फिर हमने जो साबुत मसाले तड़का में ऐड किए हैं उसे 1/2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अगर आप ग्रेवी में प्याज लहसुन ऐड करना नहीं चाहते और अभी ऐड करना चाहते हो तो आप उसे बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। हमने जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी तैयार की थी उसे तड़का में ऐड करें और ग्रेवी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए तब तक हम उसे भूनेंगे। टमाटर के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सब जल जाए तब तक हम ग्रेवी को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए और उसमें से घी और तेल सेपरेट होने लगे तब तक हमें उसे पकाना है। आप देख सकते हो कि ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब राजमा को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे।
ग्रेवी बनाते वक्त हमने 5 नंग हरी मिर्च ऐड की थी, इसलिए हम तीखी वाली लाल मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे। 1 से 2 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर ऐड करें। धनिया जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, उससे ग्रेवी थोड़ी थिक बनेगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच पंजाबी गरम मसाला, ये मसाला घर पर तैयार किया हुआ है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। 1/2 चम्मच या स्वादानुसार नमक ऐड करें और सभी मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक उसे लो फ्लेम पर कुक करें। नमक का उपयोग ज़्यादा मात्रा में ना करें। मसाले ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स होने के कारण उसका रंग थोड़ा चेंज हो गया है और वो पैन में से सेपरेट होने लगी है। इस स्टेज पर हमने जो राजमा उबाल कर रखे थे उसे पैन में ऐड करें और उबालते वक्त हमने जो पानी का उपयोग किया था उसे भी साथ में ऐड करें, ताकि राजमा के अंदर जितने भी पोषक तत्व है वो सब मेंटेन रहे। उबले हुए राजमा को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला ले। जम्मू कश्मीर में अगर आप कभी घूमने गए हो तो वहाँ पे राजमा चावल और राजमा पराठा मिलता है और उसके साथ फ्रेश अनार की चटनी भी सर्व की जाती है जो काफ़ी टेस्टी होती है। और वैष्णो देवी में जो राजमा चावल मिलता है उसमें प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर उसे लो फ्लेम पर कुक करें। राजमा को 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद उसमें खटास के लिए 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड करें। अगर आप नींबू का रस ऐड करना नहीं चाहते तो उसकी जगह पर आप स्वादानुसार आमचूर पाउडर या सूखे अनारदाने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी में हमने प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया है जिसके कारण जो ग्रेवी है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है। चम्मच में थोड़े राजमा ले और उसे इस तरह से मैश करके बाकी के राजमा के साथ अच्छे से मिला ले। ऐसा करने से जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो जाएगी। हम जो गुजराती वाल और चने की सब्जी बनाते हैं उसमें ग्रेवी को थिक करने के लिए बेसन को पानी में घोल कर ऐड करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर से पैन के ऊपर ढक्कन लगाए और राजमा को 2 से 3 मिनट तक कुक करें। अगर आपने राजमा पहले से उबाल कर रखे हो तो इस सब्जी को बनाने में केवल 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है। राजमा में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर में हम उसमें 1 टेबलस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिससे उसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ज़्यादा अच्छा आएगा। भारत के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी राजमा खाए जाते हैं और मैक्सिकन डिशेस जैसे कि मैक्सिकन टाकोस और मैक्सिकन फ्राइड राइस में भी राजमा का उपयोग किया जाता है। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें और उसे राजमा के साथ मिक्स करने के बाद गैस बंद करके गर्मा गर्म राजमा मसाला को हम प्लेन स्टीम राइस और रोस्टेड पापड़ के साथ सर्व करेंगे। राजमा का उपयोग करके आप दूसरी कौन सी डिशेस बनाते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजमा को सर्व करने के बाद उसके ऊपर 1 चम्मच सॉल्टेड बटर और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। उसके साथ हम 1 डंठल धनिया और थोड़ी अदरक की कतरन ऐड करेंगे। आप फ्रेश क्रीम की जगह अमूल की क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।